हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SS यूनिटे। और दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे आज मैं ये वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर टॉप 10 बेस्ट कैटेगरीज फॉर न्यू यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आपने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं अपना नया यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या बेस्ट कैटेगरीज हो सकती हैं जिसके थ्रू मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों आज मैं कुछ कैटेगरीज ऐसी लेके आया हूँ यहाँ पे जिसके थ्रू आप अपना यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जो भी हैं और डेटाबेस से रिलेटेड भी। और यहाँ पर हम लाइव देखेंगे कि कैसे कीवर्ड के हिसाब से सर्च आउट होता है और कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ। तो सबसे पहला टॉपिक है न्यू चैनल। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप न्यू चैनल बनाइए। न्यू चैनल में क्या होता है कि आपके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, आप नए नए चीज़ें डाल सकते हो। जैसे कि कहीं पर इलेक्शन चल रहा है, जैसे आजकल CA और NRC के ऊपर चल रहा है, तो आप उस पर भी डेली नई न्यूज़ डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो और आपके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि न्यूज़ चैनल जो होता है हमारा, न्यूज़ कितने बार सर्च आउट होता है यूट्यूब पर। तो सबसे पहले आप जाइए ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है ads.google.com। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे एक UI आपके पास ओपन होगा। इस UI में आपको करना है साइन इन पे क्लिक। साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जीमेल का। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ आप देख लोगे यहाँ पे आपको लॉगिन होना चाहिए। जैसे आपका लॉगिन हो गया है, अभी आपको करना है टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग पे आप जाओगे और यहाँ पे आता है कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास आएगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। बेसिकली ये वीडियोस के कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू सर्च आउट होता है। तो अपना चैनल जैसे न्यूज़ पर बनाना है तो आप न्यूज़ डाल के यहाँ पे गेट रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन आपकी इंडिया है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आप इसे चेंज कर सकते हो हिंदी भी, लेकिन मैं अभी एज इट इज छोड़ देता हूँ इंग्लिश। यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का दिखा रहा हमें, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं सिर्फ लास्ट मंथ का भी। लास्ट मंथ जैसे आप चेंज करोगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो एवरेज मंथली सर्च हमारे पास कितने हैं। वो हमारे पास हैं 1 मिलियन से 10 मिलियन। ये काफ़ी अच्छे सर्चेज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपटीशन भी इसमें ज़्यादा नहीं है, लो कॉम्पिटिशन है। लेकिन यहाँ पर पैसे आप देखोगे तो उतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, पैसे भले ही कम मिलेंगे। ये आपकी पहली कैटेगरी है। आप देखते हैं दूसरी कैटेगरी। तो दूसरी कैटेगरी हमारी फैक्ट हैं। फैक्ट हमारे हो सकते हैं किसी भी चीज़ पे, हिस्ट्री पे कोई फैक्ट हो सकता है या किसी और चीज़ पे कोई फैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लॉग्स पढ़ने हैं। ब्लॉग्स में जाके आप चीज़ें निकाल के उस पर आप वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। तो फैक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे हम देख लेते हैं फैक्ट कितने बार सर्च आउट होता है। तो फैक्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सर्च आउट है और यहाँ पर पेमेंट भी ठीक ठाक ही मिलती है इसकी भी। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप कर सकते हो। और फैक्ट आपको बस पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, ब्लॉग से आपको चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और उस पर वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हो। तो इसमें कंटेंट की आपके पास कमी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आप उन पर अपने वीडियोस बना सकते हो। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है गेमिंग। तो अगर गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग एक बहुत ही अच्छा है, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और चूंकि मुझे नहीं पता लोग इतना ज़्यादा गेमिंग पे इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बट लोगों को इंटरेस्ट होता है गेमिंग पे। तो गेमिंग पे भी आप चैनल अपना बना सकते हो। जैसे गेमिंग पे क्लिक करके, अब गेमिंग यहाँ टाइप करके अब यहाँ पे गेट रिजल्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PUBG जो सबसे पॉपुलर गेम है, तो वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक सर्च आउट हुआ है। इसमें हाँ कॉम्पिटिशन मीडियम है, लेकिन इसमें पेमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा। उन दोनों कैटेगरीज से ज़्यादा पेमेंट इसमें आपको मिलेगा। अगर आप गेमर पे जाके देखोगे तो गेमर पे कंपटीशन तो लो है, लेकिन पे आउट भी ठीक ठाक है, लेकिन सर्च उतना अच्छा नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो अच्छा खासा सर्च है ये, अगर आपके पास इतना सर्च आ रहा है तो। ये हमारे पास तीसरा कैटेगरी थी। अब चौथी कैटेगरी है कवि सम्मेलन, जिसपे मैं प्लान कर रहा हूँ और मैंने एक यूट्यूब चैनल बना भी दिया है और उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो है कवियों के कलम से। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कैटेगरी है जिसके थ्रू आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कवि सम्मेलन कितने बार सर्च आउट होता है। तो अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो एक अच्छा खासा सर्च आउट आपको मिलेगा
और इस सर्च आउट के हिसाब से यहाँ पे देखो कंपटीशन भी काफ़ी लो है और पेमेंट अच्छा खासा है। तो अगर आप पेमेंट पैसे कमाना चाह रहे हो तो आप कवि सम्मेलन जैसे वीडियोस बना सकते हो और इस टाइप के वीडियोस आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो, तो आपकी कैटेगरी कुछ कवि सम्मेलन टाइप की हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, वो आता है टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिस्ट प्लेसेस की बहुत सारी वीडियोस अभी यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस पर बनाना चाह रहे हो तो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को आप पिक करो जहाँ की वीडियोस कम हैं अभी मार्केट में। तो अगर आप उस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस सर्च करोगे तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है और यहाँ पे कंपटीशन भी लो है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है और पैसे भी यहाँ पे ठीक ठाक मिल ही जाते हैं। अगर घूमना फिरना आपका पैसन है तो आप इस पर भी वीडियो बना सकते हो। इसके बाद आता है पब्लिक रिव्यूज़। पब्लिक रिव्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, किसी न्यूज़ पे हो सकते हैं, किसी मूवी पे हो सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा आजकल मार्केट में ट्रेंड है कि आप किसी मूवी पे आप रिव्यू अपलोड कर सकते हो। तो जैसे हम मूवी के रिव्यू देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है यूजर से। तो यहाँ पे कीवर्ड पे जाके देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक मूवी रिव्यूज़ पे 10K to 100K और यहाँ पे 1 million to 10 million कबीर सिंह मूवी आई थी उसके सर्च आउट रहे हैं और इस मूवी के, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे कंपटीशन भी लो है और पे आउट भी ठीक ठाक है, तो आप इस पे भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। इसके बाद एक नया ऑप्शन आता है, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे अगर आप बनाना चाह रहे हो तो एजुकेशन पे भी आप बना सकते हो। एक हम सर्च कर लेते हैं एजुकेशन में, जैसे मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो 100K से 1 million मैथमेटिक्स के सर्च आउट रहे हैं, बट पेमेंट उतनी अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन यहाँ पे व्यूज़ आपको अच्छे मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और यहाँ पे पेमेंट भी ठीक ठाक है बट उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं कॉमेडी। तो सबसे अच्छा अगर आप चाहते हो अपने चैनल में ग्रो करना है तो कॉमेडी वीडियोज़ आप बना सकते हो। तो कॉमेडी वीडियो हर तरह की वीडियोज़ में फिट हो जाती है, क्योंकि लोग ऑफिस से आते हैं और कॉमेडी वीडियो देख के हैप्पी हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो। तो आप यहाँ पे सर्च आउट भी देखोगे तो कॉमेडी वीडियोस के अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कीवर्ड सर्च, लेकिन पेमेंट यहाँ पे बहुत ही कम होती है। जैसा आप देख सकते हो पेमेंट यहाँ पे बहुत कम दिख रही है। तो ये भी एक यहाँ पे होता है कि आप जैसे जैसे अपना आपका चैनल ग्रो होगा वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा और जल्दी से उसके व्यूज़ भी आएंगे, पेमेंट उतनी अच्छी नहीं होगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ब्यूटी। आप ब्यूटी पे भी वीडियो बना सकते हो कि कैसे हम फिट रहें, अपनी हेल्थ कैसे सही रहे, ये सारी चीज़ों पे आप वीडियो बना सकते हो। तो ब्यूटी पे हम एक बार देख लेते हैं कितना रहता है। तो ब्यूटी पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है यूजर से और यहाँ पे कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। मेकअप पे हाँ मीडियम कॉम्पिटिशन है, कॉस्मेटिक्स में भी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर पेमेंट भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरी कैटेगरीज की है। लास्ट ऑप्शन अपने पास आता है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल यही वाला है जिसके अंदर मैं सीक्वल सर्वर और डेटाबेस की चीज़ें डालता हूँ और इसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है दूसरी कैटेगरीज के हिसाब से। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ सीक्वल सर्वर, जैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल है यही सेम, तो यहाँ पर आप जाके देखोगे तो सीक्वल सर्वर के सर्चेज 10K से 100K और 10K से 100K, कॉम्पिटिशन यहाँ पर लो है। और यहाँ पे आउट देखो तो पे आउट एज कम्पेयर टू जितने अभी तक हमने देखे हैं उनमें सबसे अच्छा पे आउट होता है आप प्रोग्रामिंग चैनल अगर बनाते हो उसका। तो दोस्तों ये 10 कैटेगरीज थी जिनमें हमने देखा कि कैसे कैसे कीवर्ड सर्च आउट होते हैं और पेमेंट भी उसके हिसाब से डिसाइड होती है। तो आई होप अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि किस चीज़ पे आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है 2020 में और जल्दी से आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो भी प्लान कर रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।